here. Uh-oh. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. ये अभी मुद्दा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, बेसिकली मुद्दा क्या था यहाँ पर, इनका नाम है विल स्मिथ। विल स्मिथ साहब है यहाँ पर ये, और साइड में ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है बेसिकली क्रिस रॉक। क्रिस रॉक ने कमेंट किया यहाँ पर विल स्मिथ की वाइफ के ऊपर, और इनको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया बीमारी क्या होती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इनके द्वारा जो ये कमेंट किया गया, इसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली गुस्सा हो गए उस सेरेमनी में जहां पर ऑस्कर अवार्ड दिए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर इन्होंने उठे और यहाँ पर जाकर इनको थप्पड़ जड़ दिया। तो ये जो थप्पड़ इनको ये मारा गया यहाँ पर, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि ऑस्कर पुरस्कार के अंदर इस तरीके से थप्पड़ कैसे मार सकता है जो कि दुनिया यहाँ पर देख रही है। तो अभी यहाँ पर एक उड़ती उड़ती खबर ये भी निकल कर आई थी कि जो अकेडमी है, क्योंकि इनको अकेडमी अवार्ड भी बोला जाता है, तो जो ऑस्कर क्या जो अकेडमी है बेसिकली जो अकेडमी अवार्ड बोला जाता है जो ऑस्कर है यहाँ पर, उनके द्वारा बोला गया कि रिव्यू किया जाएगा इसको, कि जो इनके दोबारा थप्पड़ मारा गया उसको देखा जाएगा कि क्या यहाँ पर इसके खिलाफ बेसिकली एक्शन लिए जा सकते हैं। यहाँ पर रुकिए आप लोग एक मिनट के लिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे अगर उदाहरण के तौर पर दिया बराक ओबामा साहब को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया अफगानिस्तान के अंदर जाकर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा आंग सांग सुई जी को, उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, पर लेकिन जब रोहिंग्या वाला मुद्दा चल रहा था आप लोगों ने देखा होगा वहां पर उन्होंने एक भी बात नहीं बोली, तो सब कह रहे थे उनका ऑस्कर, उनका जो बेसिकली ऑस्कर नहीं सॉरी उनका नोबेल प्राइज वापस ले लो। तो क्या किसी और रीजन की वजह से किसी पर्सन का वो अवार्ड लेना चाहिए जो उसको किसी और काम की वजह से मिला है? आप लोग क्या रहे इसमें, ये इनका जो ऑस्कर है ये रिटर्न इनसे लेना चाहिए, इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं? अगर मैं बीइंग ए इंटरव्यूअर में आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप अपने विचार जो है वो जरूर लिखेगा। देखिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों ना जैसे पढ़ने लिखने के साथ साथ में सोचने की क्षमता भी बढ़े, चीजों को सोचोगे तभी तो आप लोग एग्जाम में लिखोगे, तभी आप लोग दूसरे के साथ में डिस्कस कर पाओगे, किसी के साथ में प्रोडक्टिव अपनी बातें रख पाओगे। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है, ठीक है, तो वो आप लोग अच्छे से देखेगा बेसिकली, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके चलते यहाँ पर ये जो पूरा आर्टिकल है उसमें मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ, कई सारी एलोपेशिया के बारे में यहाँ पर सारी बातें जानेंगे और क्या क्या मुद्दा है समझेंगे। इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया, इनका जो नाम है, इनकी जो वाइफ है, इनका नाम है यहाँ पर पिंकेट स्मिथ। तो इनके द्वारा इनको कंपेयर किया गया, एक पर्टिकुलर मूवी थी जिसका नाम था यहाँ पर GI Jane 2, तो उसमें बेसिकली जो हीरोइन थी, ठीक है, तो उसके साथ में इनको कंपेयर किया गया कि उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें यहाँ पर इनको देखना चाहेंगे। तो उसके चलते यहाँ पर इनको ये बात बुरी लगी क्योंकि इनडायरेक्ट वे में इनकी बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा था। ये बीमारी कैसी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ना, नॉर्मली अगर बोले कि घर में आप लोगों ने कुत्ता रख रखा है, ठीक है, कुत्ता क्या करेगा, आप लोगों को सेव करने का काम करेगा, कोई भी आएगा उल्टा सीधा आदमी तो उसके ऊपर भोग पड़ेगा। पर सोचो वो आप लोग कुत्ता आप लोगों को ही काटने लगे तो कैसे रहेगा? तो बिल्कुल यहां पर ऐसा ही होता है। ये जो बीमारी है ये इम्यून सिस्टम की वजह से हमको बेसिकली एक देखने को मिलती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हम लोग को बीमारी से बचाने का काम करता है, पर लेकिन हमारा कुत्ता हमी को काट रहा है, ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर कुछ डिसऑर्डर आ गया और इसकी वजह से ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हेयर लॉसेस पैचेस आप लोगों को यहाँ पर बॉडी में नजर आने लगते हैं। तो ये मुद्दा यहाँ पर नजर आता है। तो ये कैसी बीमारी है जो कि यहाँ पर नॉन कॉन्टिग्यूस है। नॉन कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को किसी को टच करोगे तो उससे नहीं फैलती है, बेसिकली ये बोला जाता है, ठीक है, एक कॉमन नॉन कॉन्टिग्यूस बीमारी है ये बोला गया बेसिकली। और यही वो पॉइंट है जिसके बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा, रामदेव जी के द्वारा जो यहाँ पर बातें बोली गई थी तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि मतलब उनके द्वारा किस इंटरव्यू में, मतलब मुझे लग रहा है कि कपिल शर्मा का सोई था उसमें जिनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई कि एलोपेशिया की जो बीमारी होती है नॉर्मली अगर आप लोग बेसिकली उनसे पूछा गया था बाल झड़ने से अगर बचाना है तो क्या करना चाहिए, तो उनके द्वारा बोला गया अगर कल को आप लोग होटल में जाते हो और होटल में जाते हो आप लोग वहां पर जो टॉवल वगैरह मिलते हैं वहां पर जो बेसिकली उनका जो सामान वो प्रोवाइड कराते हैं अगर उनको यूज करते हो तो अगर वो पहले किसी एलोपेशिया के मरीज ने यूज किया हो और अगर आप लोग भी उसको यूज करते हो तो आप लोगों को एलोपेशिया की बीमारी हो जाएगी और इससे आप लोगों के बाल वगैरह झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सर पे पैचेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि अगर हो गई तो हो गई, इसको वही है जैसे एड्स की बीमारी है ना, उसको कोई इलाज नहीं है, आप लोग बस कंट्रोल कर सकते हो उन चीजों को, ठीक है। तो ये एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसको आप लोग बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो, कोई परमानेंट क्योर नहीं होता इन बीमारियों का। तो वही बातें यहां पर बोली गई, तो रामदेव साहब के द्वारा जो बातें उस टाइम बोली गई थी वो मुझे एकदम याद आ गई, पर लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये नॉन कॉन्टिग्यूस बीमारी एक तरीके से, तो वो थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रोवर्सियल चीज लगी, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या था। तो एलोपेशिया जो है बेसिकली हेयर लॉस देखने को मिलते हैं और हेयर लॉस भी इसमें आप लोगों को कई तरीके से देखने को मिलेंगे, किसका तो पैचेस हो गए, थोड़े थोड़े सर में पैचेस आ गए, थोड़े थोड़े से ना जगह जगह से गायब हो गए बाल, ठीक है,
किसी का आप लोग को देखने को मिलेगा कंप्लीटली लॉस हो गए, और कंप्लीटली का मतलब पूरी बॉडी पर से ही हेयर लॉस हो गया, इवन भौहें भी इनकी नहीं है, इवन पलक जो होती है ना, जो पलक होती है हमारी जो बेसिकली आंख होगी वो भी यहां पर गायब होती है, आप लोग को नजर आती है। तो एंटायर बॉडी पर अगर यहां पर इस तरीके से गायब हो जाए, और दूसरा है पैचेस में अगर गायब हो जाए, तो दो तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो पहला हो गया यहां पर एलोपेशिया, इसको बोला गया यहां पर टोटलिस, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो पैचेस में अगर जा रहा है थोड़ा थोड़ा एरिया स्कैल्प पे कहीं कहीं से अगर गायब हो रहा है तो ये देखने को मिलेगा, और एक्सट्रीम अगर चीजें पहुंच जाए कि एंटायर बॉडी पर हो गया, ठीक है, तो इसको यहां पर इसको बोलेंगे यहां पर बेसिकली यूनिवर्सलिस, ठीक है। तो ये एलोपेशिया लगाना है और ये यूनिवर्सलिस, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो कैटेगरी में नॉर्मली इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये बीमारी जो है, अब इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, अगर किसी को ये बीमारी है तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस एक टीचर के तौर पर ये बातें पढ़ा रहा हूं, बाकी अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को बस यहां पर कुछ नॉलेज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं जो मैंने इंटरनेट से पढ़ी है, मेरे पास में कोई इसकी डिग्री नहीं है कि मैं आप लोगों को यहां पर एक तरीके से इलाज बताऊं कि एग्जैक्टली क्या है, पर हां वो है कि जो पढ़ा है यहां पर वो एक तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेज है, तो उसके चलते मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहां पर, ये जो है बेसिकली ऐसी बीमारी नहीं है कि आप लोगों ने चुटकी बजाई और ये बीमारी हो गई, झट से बीमारी होगी, ऐसा नहीं है इस बीमारी का, ये बीमारी आप लोगों को आराम आराम से देखने को मिलेगी, यानी कि होले होले, ठीक है। तो ये बीमारी बॉडी पर कवर करती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम की कोई भी बीमारी होगी ना वो एकदम से आप लोगों की बॉडी पर नहीं चढ़ेगी, वो आराम आराम से बेसिकली चीजों को इंप्लीमेंट करेगी, यानी कि वो एक तरीके से प्लानिंग के साथ में काम करती है। हमारी और आप लोगों की तरीके से नहीं है कि हम लोग कई बार क्या शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये पूरा शेड्यूल फॉलो करती है, ठीक है। अगर बात की जाए तो मोस्ट केसेस जो है यहाँ पर ये बिफोर 30, ये खतरनाक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा लोगों की शादी भी नहीं हो रही है, मतलब 30 से पहले, और यहाँ पर एलोपेशिया हो गया तो क्या हो गया, तो भाई साहब दिक्कतें होने लगती हैं। कई सारे लोगों को देखा होगा नॉर्मली जनरली ये देखने को मिल जाती है। तो इसमें होता क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हेयर फोलिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं। हेयर फोलिकल्स जहां से आप लोगों के जो हेयर निकल कर आते हैं, बेसिकली जो जड़े होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप लोग जिसे बाल झड़ते हैं, जो भी नेचुरली अपना आप झड़कर गिर गया, उस बाल को उठाना और एक बाल खुद से सर से उखाड़ना, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या नजर आएगा, जो जल से बाल आप लोग उखाड़ेंगे ना वो आप लोग जहां पर रखोगे हथेली पर या फिर उंगली पर तो चिपक जाएगा, वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो खुद से गिरा है उसकी जो जड़ होगी वो सूखी हुई होगी, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं उसका जो बेस होता है वो बर्बाद कर चुका होता है, जो अटैक किया जाता है यहां पर इम्यून सिस्टम का जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से, तो हेयर लॉसेस होना स्टार्ट यहां पर हो जाते हैं। इसलिए यहां पर ऑटो इम्यून, यानी कि ऑटोमेटिक हो गया, वैसे नहीं कहते ऑटोमेटिक अपलोड हो गया, तो यहां पर ऑटो हमारा इम्यून सिस्टम ही खुद यहां पर ऐसी हरकतें करना स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, कभी भी कोई भी चीज जो है अगर नॉर्मल सिचुएशन में चल रही है तो वो अपने आप गलत नहीं होती है, कुछ ना कुछ बदतमीजी, कुछ ना कुछ हरकतें तो हमारे द्वारा की जाती है, और कुछ ना कुछ हरकतें जो होती हैं वो इन्वायरमेंट में या फिर नेचर से हम लोग को मिल जाती हैं। अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं, देखिएगा ध्यान से, आप लोग सारी चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। ऑटो इम्यून कंडीशन, डायबिटीज की बीमारी होगी, थायराइड की बीमारी होगी इंसान की, ये ऑटो इम्यून वाली एकदम अपने आप बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग डायबिटीज और थायराइड से अपने आप को बचा सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी हद तक इस बीमारी से हम लोग दूर रह सकते हैं। आईना बात समझ लें, तो कहीं ना कहीं हरकतें आप लोग काफी हद तक हमारी भी देखने को मिलेगी, पर लेकिन कई बार ऐसा है कि हमारी भी हरकतें नहीं है, हम लोग खुद शिकार हो गए, जैसे कि जेनेटिकली आ गई, हेरिडेटरी है, यानी कि पेरेंट्स से हम लोग को गिफ्ट मिल गई, भाई साहब इतनी प्रॉपर्टी मिलती है, जायदाद मिलती है, माँ बाप अब इतनी कमाई करके जाते हैं आप लोगों के लिए, तो अगर कोई बीमारी नहीं थी तो क्या बिगड़ गया, ठीक है। तो भी उसको भी ऐसे ही बेसिकली रखो अपने पास में, मानी कि हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। कई बार एजिंग की प्रॉब्लम की वजह से जैसे जैसे एज बढ़ती है तो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जेनेटिक फैक्टर, हेरिडेटरी और एजिंग, ये एक बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों के हाथ में नहीं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करूं न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है, आप लोगों को प्रॉपर विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं, इम्प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, रात को खा रहे हैं उल्टी सीधी तले भुने सामान खा रहे हैं, तो भाई साहब ये तो बिल्कुल आप लोग एक तरीके से इससे बच सकते हैं। पर लेकिन मैक्सिमम लोग इसका शिकार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, हो सकता है आप में से भी, हम में से भी कोई इसका शिकार हो। इसी के साथ में ये बड़ा खतरनाक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंजाइटी, चीजों को लेकर डरना, अपने आप में इरिटेट होना, काम ना हो जाए तो उसके चलते प्रेशर में आ जाना, ये कितनी खतरनाक चीज है जिसके बारे में कम से कम बात करनी चाहिए। बच्चों को क्लासेस देनी चाहिए कि किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताऊं, अगर आप लोगों को कभी भी माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े ना, तो आप लोगों को उसके बारे में ये सोचिए कि मतलब उसका एंड पॉइंट सोचिए, एक मिनट के लिए रुक वहां पर कि मैक्सिमम क्या हो जाएगा यार, अगर ये हो गया तो, ठीक है, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा, ठीक है, तो इससे फालतू और क्या होगा। इस तरीके से अगर चीजों को आप लोग सोचेंगे ना, तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर चीज के साथ में लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। मतलब ये मेरा तरीका है सोचने का कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो इससे फालतू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप लोग समझ पाते हैं कि एंड पॉइंट ये हो सकता है, अब आप लोगों को सॉल्यूशन क्या निकालना है, वहां से आप लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करना है, समझ में आ गया। अगर बाल्डनेस के बारे में बात करें, यहां पर ये मेन और वुमेन दोनों में देखने को मिलेगा, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इसके शिकार होते हैं।
तो ये जो है कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ठीक है, यानी कि बीमारी जो है ये भेदभाव नहीं करती है। तो बड़ी ही एक तरीके से संविधान के जो कॉन्सेप्ट है फॉलो करने वाली बीमारी है, और ये बेसिकली सारे एक तरीके से आप लोग बोले तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी फॉलो करती है कि भेदभाव नहीं करूंगी किसी के साथ में। अब यहां पर खासकर वुमेन में थोड़ा सा कुछ इंपैक्ट आप लोगों इसका ज्यादा देखने को मिल सकता है कई बार, रीजन उनकी जो नेचर होती है बॉडी का वुमेन का उसकी वजह से। सबसे पहले बात तो हार्मोनल चेंज आप लोगों को देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग पबर्टी। जैसे जैसे एक यंग एज आती है तो आप लोगों को पता है लड़का और लड़की में दोनों में हार्मोनल चेंज होते हैं, बॉडी पर बाल आ जाना, ठीक है, जो बॉडी थोड़ी सुडोल होने लगना। जैसे लड़कियों की बॉडी में भी आप लोगों ने नॉर्मली एक अपनी बॉडी, जैसे हम लोग बचपन में थे अब बढ़ रहे हैं, ठीक है, लड़के की बॉडी में भी हम बचपन में थे बढ़ रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। और ये इसके ऊपर पूरा चैप्टर एनसीईआरटी में, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्या क्या चेंजेस आते हैं, जाकर एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ लेना, एक एक पॉइंट उनके द्वारा बताया गया कहां कहां पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो उसको देखिएगा। एक एक्स्ट्रा जो यहाँ पर वुमेन के ऊपर अगर बात करें, यहाँ पर जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या, नेचर ने ये गिफ्ट दिया है कि वुमेन हम लोगों को बेसिकली एक सोसाइटी को आगे लेकर चलने का काम करती है। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो ये प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में भी कई बार ऐसी बीमारी देखने को मिलती है। और एक होता है यहाँ पर मोनोपोज। मोनोपोज ये क्या होता है, इसके बारे में जब मैंने सर्च के मतलब बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, क्या होता है, मैंने जब पढ़ा इसके बारे में सर्च करके तो मुझे पता चला कि मोनोपोज क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर जब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो जब एक तरीके से एंड टाइम पर पहुंच रही होती है। नॉर्मली जो वुमेन की जो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जिसकी वजह से बच्चे पैदा होते हैं, हम जैसे इंसान इस दुनिया में आए हैं, वो लगभग 40s और 50s तक चलती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये 40 से 50 की एज होती है उस तक चलती है। और फिर यहाँ पर ये 51 बेसिकली यूएसए में बताया गया है, एक तरीके से माना जाता है कि इसके बाद में यहाँ पर मोनोपोज आ जाता है। इसका मतलब ये कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि जो पीरियोडिक जो पीरियड्स जो चलते हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका जो एंड मोमेंट होता है एक तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक तरीके से ये पूरा नेचुरल और बायोलॉजिकल प्रोसेसर है, इनको हम लोग ऐसे बोल ही नहीं सकते कि इसमें कुछ गलत चीजें हैं। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर चेंज आते हैं। सोचो कोई चीज एक तरीके से बचपन से तो नहीं था, मतलब 13-14-15 साल की उम्र से जो पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है वो एक यहाँ पर इतने साल तक चल रही है और फिर वो रुक रही है, तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। अगर किसी को बीच में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो 12 महीने तक अगर विदाउट पीरियड साइकिल अगर हो जाए तो फिर इसको एक तरीके से इलाज भी कराना, इसके बेसिकली बारे में बात की गई, ठीक है। तो एक तो ये देखने को मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा वुमेन के साथ में, क्योंकि मेन को तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये क्रोनिकल कई सारी एक तरीके से क्रोनिक इलनेस हो जाती है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया यहाँ पर इम्यून सिस्टम हमारे साथ में उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। एक और ऐसी बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ये भी मैक्सिमम आप लोगों को औरतों में यानी कि महिलाओं में नजर आएगी। यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये यूटरस आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक हेल्दी यूटरस जो है यहाँ पर बेसिकली इस तरीका आप लोगों को यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर नजर आएगा, लेकिन अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इश्यूज देखने को लगेंगे, ठीक है। देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों को एक एज ए टीचर के पॉइंट ऑफ से मैं आप लोगों को बातें बताऊं तो जो प्राइवेट स्पॉट्स होते हैं ना इनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करोगे कि आप लोग इनको क्लीन रखा करो, ठीक है। कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है कि हम लोग गंदे कपड़े पहने रखते हैं, ठीक है, आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा डॉक्टर के पास में जाते हैं कई बार नहीं दांत वगैरह होने लगते हैं, तो ये सारी चीजें इस तरीके से होती हैं, खासकर वुमेन के लिए तो कि इन चीजों को बहुत ज्यादा क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ये मेन हो या वुमेन हो दोनों के लिए बेसिकली यहाँ पर ये, क्योंकि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है इनके बारे में तो आप लोग दूसरों को अपने छोटे भाई बहन को भी बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, इंसान को कई बार डेथ तक हो जाती है, इतनी खतरनाक बीमारी आगे चल के बढ़ जाती है, तो क्यों ना हम लोग इनके बारे में बातें करें। तो सॉल्यूशन निकले, इन्वायरमेंटल फैक्टर कई सारे देखने को मिलेंगे, जैसे पोल्यूशन हो गया, डस्ट हो गया, भाई साहब ये तो अपने हाथ में आप आज के में है नहीं, इतने ज्यादा निकल चुके हैं, पर फिर भी बचा सकते हैं अपने आपको, जैसे बाहर निकल रहे हैं तो कैप वगैरह पहन के चला जाए, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं, ओके। और बाकी अपना आंखों पर चश्मा लगा ली, इतनी ज्यादा धूप देखने को मिलती है, दिक्कत ना पड़े, तो ये बेसिकली पानी वगैरह अपने साथ में रखे, अगर गर्मी जैसे आ रही है तो उसके चलते आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो इन सब चीजों का भी आप लोग ध्यान रखते हैं गर्मियों में, खासकर इन चीजों का, ठीक है, तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये मैंने सारा बात बता दी बीमारी के बारे में कि कहां कहां से हो रही है। तो इनमें से देख सकते हैं कई सारी ऐसी चीजें थी जो हमारे हाथ में नहीं थी, जैसे जेनेटिक्स वाले हो गए और ये सारी, पर लेकिन कई सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमारे हाथ में थी, तो जोन सी हाथ में कम से कम उनका तो हम लोग इलाज कर सकते हैं ना, तो उनके ऊपर कम से कम फोकस दीजिए। ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि हम लोग फ्यूचर को लेकर टेंशन में और पास्ट को लेकर टेंशन में, प्रेजेंट को जी नहीं रहे, तो प्रेजेंट में आप लोग जिए तो आप लोग काफी कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ट्रीटमेंट में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को सुनकर थोड़ा हैरानी होगी कि देयर इज नो क्योर, यानी कि कोई इसका इलाज नहीं है। एलोपेसिया जो यहाँ पर आइडिया है बेसिकली पैचेस होता है इसका मतलब, ठीक है, तो जो पैचेस पड़ जाते हैं ना सर पे, तो इसकी कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, यानी कि एक बार को हो गई तो हो गई, तो फिर क्या चलने दे ऐसी, नहीं ऐसा किसी ने बोला, मैंने तो नहीं बोला ऐसा। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है कंट्रोल करने के लिए,
जैसे कि मैं बोलता ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर ज्यादा ना बढ़े कम से कम चीजों को प्रिवेंट किया जाए कि और ज्यादा ना बढ़े। तो यहां पर मेडिकल और नेचुरल कई सारे ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका यूटिलाइजेशन यहां पर किया जा सकता है। तो मेडिकल भी और नेचुरल भी इस तरीके से, तो उनके बारे में भी आप लोगों को एक एक कर बताऊंगा। डिफरेंट तरीके से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, कुछ इंजेक्शन भी लगते हैं, कई सारी जो यहां पर गोलियां वगैरह आती हैं और कई सारी यहां पर अगर दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार यहां पर ये इस तरीके से यहां पर ट्यूब वगैरह भी दी जाती है लगाने के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली यहां पर अगर बात की तो मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती है वो माना जाता है कि यहां पर इसको एक तरीके से सप्रेस करने का काम करती है। पर लेकिन जैसा मैंने बोला इंजेक्शन वगैरह ये सारी चीजें भी आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं, ये है यार। पर लेकिन कई सारी थेरेपी भी है यहां पर, हल्की हल्की चीजों को लेकर चलना है आप लोग। जिसे बोलो मैं किसी के बाल अगर झड़ रहे हैं तो एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप लोग एक प्रॉपर नींद लें। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग क्या कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं काफी अच्छे से। ठीक है, ये काफी अच्छा होता है शीर्षासन वगैरह, और कोशिश करो डेली एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का पार्ट बना के रखो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को सॉल्यूशन में नजर आएंगी, जो भी होगा आप लोगों को सॉल्यूशन बताएगा। कई सारे सब्सटेंसेस जैसे कि जिंक हो गया, बायोटीन हो गया, बायोटीन के तो आप लोगों ने कई सारे प्रोडक्ट भी सुने होंगे कि बायोटीन की गोली खा लो। ठीक है, एलोवेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। ओनियन जूस बोला जाता है, इसको रब कर सकते हैं मसाज वगैरह। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको भी यूज किया जा सकता है स्कैल्प के ऊपर इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसी के साथ में अगर बात करें जैसे कि यहाँ पर ऑयल्स हो गए, ठीक है, जैसे टी ट्री हो गया, इसी के साथ में यहाँ पर रोजमेरी, ये लेवेंडर, तो कई सारे ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनको यूज किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर डाइट काफी बड़ा रोल प्ले करती है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट जो कि बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आती है बॉडी के ऊपर, ठीक है, तो उसको रोकना है बेसिकली। जैसे यहाँ पर मीट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, तो इनको लाइफ का पार्ट बनाया जा सकता है। जो मीट्स वगैरह नहीं खाता वो इस तरीके से पनीर वगैरह, एक तरीके से कि प्रोटीन वगैरह आप लोगों की डाइट का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्कैल्प मसाज जो हो गया, और कई सारे हर्बल सप्लीमेंट जैसे कि यहाँ पर ग्रीन टी भी एक वन ऑफ सोर्स है जो कि आप लोगों की बॉडी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है अगर मॉर्निंग में खाली पेट आप लोग इसको यूज करते हैं। तो ये एक बीमारी के लिए नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आप लोग की दूर करता हुआ नजर आएगा। और देखिए मेरा तो मानना ये है कि अगर आप लोग प्रॉपर सो रहे हैं, अपनी नींद ले रहे हैं कम से कम 5 से 6 घंटे, कम से कम एटलीस्ट 6 घंटे, ठीक है, 6 घंटे की कम से कम आप लोग नींद ले रहे हैं, प्रॉपर पानी पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। देखिए सारी चीजें बाद में आती है, सबसे पहले हेल्थ आती है। अगर आप लोगों की हेल्थ सही रहेगी ना तो सारी चीजें चलती रहेगी, अगर हेल्थ ही बिगड़ गई तो सारी चीजें बिगड़ गई। तो इसलिए हेल्थ को सबसे ज्यादा फोकस देना है। मैंने जिंदगी में बहुत इग्नोर किया था हेल्थ को, पर लेकिन आज की डेट में मैं हेल्थ पर ज्यादा एक तरीके से कॉन्शियस रहता हूं, क्योंकि मुझे ये चीजें समझ में आ गई कि मैंने कहा यार बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी पर हेल्थ को अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। ठीक है, तो इसलिए मैंने बस आप लोग भी अपनी हेल्थ को अच्छा रखिए यार, ये जरूरी है, वरना दिक्कतें देखने को मिलती है। काम में भी आप लोग एनर्जी देखने को मिलेगी जब आप लोग हेल्थी रहेंगे तो। ठीक है, तो पूरा आर्टिकल में क्या क्या डिस्कस किया, तो क्या मुद्दा था यहाँ पर, मुद्दे से क्या बीमारी निकल कर आई, और इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी है तो बीमारी के बारे में पूछा जा सकता है, पूरा किस तरीके से फैलती है, कैसी कैसी तरीके से बीमारी है, इम्यून सिस्टम की वजह से होती है, बाकी यहाँ पर मोनोपोज क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और एक और तरीके से यहाँ पर जो बेसिकली महिलाओं से रिलेटेड बीमारी वो क्या ट्रीटमेंट है और किस तरीके से आप लोग और ज्यादा अच्छे से इसको फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो बताएगा, वरना आप लोग यहाँ पर बेसिकली आप लोग लेक्चर को बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं लाइक कर, डिसलाइक कर और बेसिकली कमेंट बॉक्स में। तो तीन तरीके के फीडबैक आप लोग, तो तीनों में से जो भी सूटेबल लगे उसको एंजॉय करो और फीडबैक जरूर दिया करो। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोग कोई डाउट नहीं होगा।